नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पुलिस को देखकर कार की बढ़ा दी स्पीड, पीछा करके पकड़ा, तलाशी लेने पर अधिकारियों के उड़ गए होश। फतेहपुर थाना पुलिस ने उड़न दस्ते के साथ मिलकर गुरुवार देर रात एक कार से लगभग 16 लाख रुपए की चांदी बरामद की है। चांदी का वजन 18 किलो 924 ग्राम है। पकड़ा गया व्यक्ति सहारनपुर के मंडी कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। उड़न दस्ते की टीम और आयकर विभाग ने चांदी को जब्त कर लिया है और ट्रेजरी में जमा करा दिया है। पुलिस अभी पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। पुलिस को देखकर दौड़ा दी गाड़ी। फतेहपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि गुरुवार देर रात रुड़की रोड पर वह अपनी टीम और उड़न दस्ते की टीम के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक गाड़ी रुड़की की तरफ से आती दिखाई दी, जिसके बाद गाड़ी को रुकवाने का इशारा किया तो उसने गाड़ी नहीं रोकी और वह तेजी के साथ गाड़ी निकालने लगा, लेकिन बाद में गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में चांदी बरामद हुई। चांदी को तोला गया तो उसका वजन 18 किलो 924 ग्राम निकला, जिसकी बाजार में कीमत 16,15,000 रुपए है। गाड़ी में सवार व्यक्ति ने अपना नाम प्रणव जैन पुत्र अभय जैन निवासी जम्बोदास मोहल्ला थाना मंडी बताया। प्रणव जैन से अभी पूछताछ की जा रही है। वहीं पकड़े गए चांदी व्यापारी ने बताया कि उसका सहारनपुर में चांदी का कारोबार है। वह रुड़की से चांदी लेकर आ रहा था और अपनी दुकान पर जा रहा था। फतेहपुर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि प्रणव उन्हें कोई बिल नहीं दिखा सका और न ही चांदी से संबंधित अन्य दस्तावेज दिखा पाया। दुकान का लाइसेंस और अन्य दस्तावेज मांगे गए तो वह भी पेश नहीं कर पाया, जिसके बाद चांदी को जब्त कर लिया गया है। आयकर विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि प्रणव यदि दस्तावेज उपलब्ध करा देगा तो ट्रेजरी से उसकी चांदी को रिलीज कर दिया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।